नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में कई सारी पोस्ट होती है और इस वजह से अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी पोस्ट या फिर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। और इस वजह से भी कई बार मुसीबत में पड़ने के बावजूद भी लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो अपने समस्या की शिकायत किस अधिकारी से करें। और आप सभी की इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है और उसके नीचे कौन कौन सी पोस्ट आती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी की होती है और ये आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं और जो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज को पास करके बनते हैं। इन्हें सबसे पहले एएसपी के पद पर तैनात किया जाता है और इसके बाद प्रमोशन देकर एसपी बनाया जाता है और फिर एसएसपी पोस्ट के लिए प्रमोशन मिलता है और एसएसपी की पोस्ट के बाद ही डीआईजीपी की पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं। अब डीआईजीपी की पोस्ट के बाद आईजीपी की पोस्ट के लिए प्रमोशन मिलता है और इसके बाद कहीं जाकर डीजीपी पोस्ट के लिए प्रमोशन दिया जाता है और इनके ऊपर पूरे स्टेट की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। वैसे दोस्तों डीजीपी से भी बड़ी एक पोस्ट होती है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि डीआईबी और पुलिस में यही सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये कोई पोस्ट नहीं बल्कि एक रैंक होती है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो डायरेक्टर होता है उसकी सैलरी और स्टेटस गवर्नमेंट सेक्रेटरी के बराबर होता है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं जिन्हें आईबी या डीआईबी कहा जाता है। अब इसके नीचे की जो रैंक है वो है आईजी। दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी के बाद आईजी की पोस्ट आती है और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज को पास करके ये बनते हैं। कई सालों तक एसपी की पोस्ट पर काम करने के बाद इन्हें प्रमोशन देकर आईजी बनाया जाता है और ये डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं और इनके अंडर में डीआईजी काम करते हैं। डीआईजी दोस्तों डीआईजी का फुल फॉर्म होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों ये एसएसपी और डीसीपी की तुलना में एक सीनियर रैंक होती है और ये आईजी के अंडर में काम करते हैं। किसी राज्य के पास कितनी डीआईजी हो सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है और ज्यादातर राज्यों में कई डीआईजी होते हैं। डीआईजी एक आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट है। इनका काम क्षेत्र में पुलिस बल की सुपरविजन और कंट्रोल में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल को सहायता प्रदान करना होता है और साथ ही पुलिस फोर्स में एफिशिएंसी और डिसिप्लिन बनाए रखना होता है। अब इससे नीचे की जो रैंक है वो है एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में एसएसपी की पोस्ट एक सम्मानजनक पोस्ट होती है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती या परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। इस पद को एसपी पद से प्रमोट करके बनाया जाता है। भारत में महानगरीय या अत्यधिक आबादी वाले या फिर नक्सल प्रभावित जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी ही कहे जाते हैं। ये जिले में हर तरह के अपराध रोकने का काम करते हैं। एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों भारत के हर जिले में एक विशेष अधिकारी के रूप में इन्हें भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी भारत में एक जिले में पुलिस फोर्स का मुखिया होता है और एक जिले में पुलिस फोर्स का नेतृत्व करता है और ये भी जिले में हर तरह का क्राइम रोकने का काम करते हैं। बता दूं कि एक छोटे से जिले के साथ साथ एक बड़े ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के पुलिस फोर्स का मुखिया होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी के बाद एएसपी यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आते हैं। इसके बाद डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आते हैं और जिन्हें सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर भी कहा जाता है और ये ब्लॉक वाइज बनाए जाते हैं। और बता दूं कि सीओ राज्य स्तरीय सिविल सेवा पास करके बनते हैं। सीओ के बाद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और फिर हवलदार आते हैं। हवलदार के बाद पुलिस में सिपाही आते हैं और जिन्हें कांस्टेबल कहा जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही का पद सबसे छोटा होता है। अगर आप पुलिस रैंक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं जैसे कि उनकी पोस्ट को उनके स्टार्स से कैसे पहचाना जाए तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दें और ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।